मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। स्विच ऑन फाउंडेशन की ओर से झारखंड में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। डॉक्टरों की ओर से प्रदूषण के कारण हो रही बीमारियों का जिक्र करते हुए इसके बचाव के ठोस उपाय भी बताए गए। सूबे में सबसे अधिक वायु प्रदूषण का शिकार धनबाद के लोग हो रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। जाए जितनी जल्दी हो सके हम इको फ्रेंडली। अभी तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है, जैसे आप यहाँ दिए हुए हैं, the health consequences of fresh air circulation indoors, तो वो सब कैसे किया जा सकता है। उस माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि हम स्कूल्स में क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या ऑफिसर्स में, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीड्योर्स क्या हो सकते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं। पेपर, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिटीजंस रोल एयर पॉल्यूशन है, जो अपन लीव वेस्ट इको फ्रेंडली, यहाँ तो काफ़ी पॉपुलर नहीं है। आपके एयर प्योरीफायर जो यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं अभी फिलहाल। उसके अलावा डाइटरी एडजस्टमेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई किस हद तक लगेंगे अभी डॉक्टर्स के साथ हम उस पर चर्चा। इंडिविजुअल लेवल पे फिर अगेन प्लास्टिक हमें रिस्पॉन्सिबल होना है कि हमें यूज़ नहीं करना, तो प्लास्टिक ट्रैश ऐसे ही पड़ा है उसे ऐसे यूँ ही नहीं जला देना है, राइट। और फिर बाकी तो कंपोस्टिंग वगैरह हमें करनी है, ये सारी चीज़ें अपने लोकल लेवल पर सोच सकते हैं। आगे तो फिर लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट, इनकी जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मोर प्रमोशन ऑफ यू नो क्या कहते हैं पार्क्स, मोर ट्रीज प्लांटेशंस हो गए ना, और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हमने अभी एडवाइजरी में देखा जाना, बहुत आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल और बहुत मेजर स्टेप जो हम लोग कर सकते हैं कि ज़्यादा कारपूलिंग यूज़ करें, बाइसिकल्स यूज़ करें, है ना, साइकिल यूज़ करें, वॉकिंग यूज़ करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट को और प्रमोट करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पेनल्टी लेना चाहिए। जो व्हीकल्स 15 साल के ऊपर हो गई हैं उन पर बैन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अवेयरनेस सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी का छिड़काव करें, जैसे हम लोग के गुटखा है, सब सिगरेट वगैरह है, बहुत जुआ पीते हैं, बहुत मुश्किल है। आज कहीं भी चले जाइए किसी भी टी स्टॉल पर, तो आप केवल चाय पीना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, दो लड़के हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है और जो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में, जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो गए, लेबर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए। हमारे तौर पर तो नहीं, गवर्नमेंट को ये सब ध्यान देना चाहिए, साइड में कंस्ट्रक्शन है ठप्पा लगा करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, रोड कंडीशन हमारा अच्छा होना चाहिए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।